हेलो गाइस, मैं भारती शक्केवार आप सबका स्वागत करती हूँ द इनसाइड हाउस पर। आज हम बनाएंगे बेसन और मेवे के लड्डू जो कि बहुत हेल्दी होते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं जल्दी से। पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने गोला, किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता और मगज और छुआरे का पाउडर बना के लिया है। और ये मैंने आधी किलो बेसन ले लिया है जो कि मेरे घर पे बना हुआ है, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। आधी किलो बेसन लिया है तो मैंने ये 300 ग्राम घी लिया है, देसी घी। और ये 400 ग्राम बूरा लिया है और थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया है। सबसे पहले एक फैन लेंगे और उसमें घी डालूंगी मैं। एक चम्मच घी लिया है, इसमें हमें अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को भूनना है थोड़ा सा। ये सभी ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी मैं इसमें, ज्यादा नहीं भूनेंगे हम इन्हें, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट ही भूनना है। इनका कलर चेंज नहीं करना है हमें बिल्कुल भी। और चलाते हुए इन्हें भूनेंगे। भुनने वाले हैं हमारा ये, 1 से 1.5 मिनट हो चुका है हमें इनको चलाते हुए। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और एक तरफ उठाकर रख देंगे, इनका यूज़ हम बाद में करेंगे। अब मैंने फिर से फैन रख दिया है और इसमें मैं घी डाल दूंगी, जो मैंने घी लिया था सारा घी डाल देंगे हम। घी गरम हो चुका है हमारा, अब हम अपना बेसन डाल देंगे इसमें। सारा बेसन हम एक साथ डालेंगे क्योंकि हमें पूरा बेसन भूनना है, तो हम सारा ही डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे लगातार ताकि बेसन हमारा जले नहीं और नीचे लगे भी नहीं। बेसन को धीमी आंच पर ही भूनना चाहिए क्योंकि बेसन काफ़ी हैवी होता है, हाई फ्लेम पे कभी ना भूने बेसन को। और हमेशा लड्डू या बर्फी बनाते वक्त मोटे बेसन का ही यूज़ करें, इससे बड़े अच्छे बनते हैं। मैंने भी मोटे बेसन का ही यूज़ किया है। इसको लगातार चलाते रहेंगे हम और चलाते चलाते ये घी छोड़ने लगेगा, बेसन हमारा काफ़ी पतला भी हो जाएगा। अब देखिएगा बेसन के लड्डू हेल्दी भी होते हैं और खाने में भी बड़े टेस्टी लगते हैं, और अगर इनमें ड्राई फ्रूट्स डले हों तो बात ही अलग है, तो और भी मज़ेदार बन जाते हैं ये। ये देखिए हमारा बेसन अब पतला होने लग गया है, काफ़ी पतला हो गया है बेसन हमारा क्योंकि घी ऊपर आने लग गया है हमारे बेसन में। इसे इसी तरह से लगातार चलाते रहना है। अभी भी हमें इसे कम से कम 3 से 4 मिनट हमें भूनना होगा अभी भी, इसके बावजूद काफ़ी टाइम लगता है बेसन को भूनने में और धीमी ही फ्लेम पे। अभी भी हम इसे चलाते रहेंगे, फूल गया है हमारा बेसन, आप देख रहे होंगे काफ़ी फूला है हमारा बेसन। अब इसमें हम पानी की थोड़ी सी छींटे डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें, कुछ ही छींटे डालेंगे पानी की और लगातार चलाएंगे इसे, साथ के साथ चलाते हुए जाना है हमें। इससे क्या होगा कि हमारे लड्डू का दाना निखर कर आएगा। पानी अधिक डाल देंगे आप तो ये हलवे की शेप ले लेगा हमारा बेसन, इसलिए पानी हल्का ही डालना है इसमें, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा, का और ध्यान रखिएगा कि पानी डालने के तुरंत बाद ही गैस भी बंद करनी है हमें। अगर इंडक्शन पर बना रहे हैं तो इंडक्शन को ही बंद करना होगा। अब मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और इन्हें हम ठीक से मिला लेंगे।
अच्छे से मिलाना है हमें इन्हें। अब ये हमारा रेडी हो गया है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा देखने में, तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। अब इसमें हम बूरा मिला देंगे। बूरा आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बर्फी या लड्डू बनाते वक्त बूरे का ही यूज़ किया जाता है। और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, ठीक से मिलाने के बाद अब इसे हम चेक करेंगे ये कितना गर्म है। अभी काफ़ी गर्म है तो इसको थोड़ा और हम चलाते रहेंगे जिससे कि जल थोड़ा ठंडा हो जाए और हमें बेसन के लड्डू बनाने में परेशानी ना हो। हमारा बेसन ठंडा हो गया है, अब इसके लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। ये देखिए थोड़ा सा हाथ में लिया मैंने और इसकी मुट्ठी बांधते हुए बस लड्डू तैयार हो जाएगा ऐसे ही। ये देखिए एक लड्डू रेडी हो गया हमारा। ऐसे ही दूसरा लड्डू बना के दिखाती हूँ मैं। ये देखिए इस तरीके से बस लड्डू रेडी हो जाएगा हमारा। लड्डू बनाना बहुत ही आसान है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल गोल शेप आ रही है हमारे लड्डुओं की। ऐसे ही हम सारे लड्डुओं को बना लेंगे। और लड्डू ना गरम गरम बेसन से ही बांधिएगा, ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बंधेंगे नहीं सही से। ये सब लड्डू मैंने बना लिए हैं, आप देख रहे हैं देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं बेसन के लड्डू। ये हमारे लड्डू रेडी हैं, अब आप इन्हें सुबह शाम किसी भी टाइम खाइए, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होते हैं बेसन के लड्डू। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मेरी वीडियो हमेशा देखते रहिए। बाय बाय।